एक बार जब स्टेज में पहुंच गए ना तो उस दिन अमीर राजा ये ध्यान रखना। Hey guys, what's up? Badri Narang is back with the new videos. So guys, welcome back to my channel, Badri Fitness. कैसे हो यार आप सब? अच्छे हो गए तो यार स्टार्टिंग का शॉर्ट देख के समझ गए, टाइटल देख के समझ गए और थंबनेल देख के भी समझ गए किस चीज़ के ऊपर वीडियो है। आज की जो वीडियो होने वाली है कि एक तरह से पोजिंग प्रैक्टिस की होने वाली है और जो मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है वो भी सीख सके कि किस तरीके से स्टेज पर पोजिंग होती है, क्या क्या मतलब उसके अंदर टिप्स होते हैं, किस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे उसको पोज करने होते हैं, कौन कौन से पोज होते हैं। तो इस वीडियो में आप देख के सीखोगे और हमारे गुरुजी सिखाएंगे और आप भी उसको देख के सीख जाओगे। मैंने भी कभी नहीं करी, मैं भी यार कभी स्टेज पे एक्सपीरियंस नहीं करा। अब देखते हैं अंदर जाके कंडीशन चेक करेंगे कि कैसी कंडीशन होगी। देखो यार मेरे को बाहर इसलिए आना पड़ता है क्योंकि अंदर थोड़ा रश होता है, साउंड वगैरह अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए स्पेशली बाहर आता हूँ और आप लोगों को जो सामने आप लोगों के बोलता हूँ जो भी होगी। और जो मेरी ऑडियंस मुझे जानती है कि ऐसा मैं कुछ एनाबॉलिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, जो भी कंडीशन होगी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि कैसी हो रखी है और पहले कैसी थी। जिसने भी मुझे फॉलो कर रखा है उनको अच्छे से पता होगा। तो चलो चलते हैं अंदर एंड चेक करते हैं और आप भी इससे सीख जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने तो ब्रांच की थी ना तो उसमें दिखाने हम उसको रौनक नेक्स्ट ईयर ऑफ सीजन में हम लेग्स का साइज बढ़ा करेंगे और ये बात है। एक बार जब स्टेज में पहुंच गए ना तो उस दिन अमीर राजा ये ध्यान रखिए। ठीक है सर, कोई हमारे से तगड़ा नहीं, एक बार स्टेज में चले गए तो हम उस दिन राजा हम। ठीक है ना, किसी को नहीं देखना कौन क्या है, उस दिन किसी से नर्वस नहीं होना। ठीक है, रिलैक्स, थोड़ा पैर और क्लोज है, बस यहाँ पर लेट्स स्प्रेड। थोड़ा वो मेरी चीज़ें पकड़ बैक को और उसको यहीं रख आगे बदला और बैक को पुश करा दोबारा लगा। बैक बोल ही रहा वैसे बैकग्राउंड दिख रही है और जो पोज़ लगा रहे हैं कम दिख रही है। अच्छा हाँ, इसको जैसे स्टैंडिंग दिखा ये ऐसा ये ला क्या पोजिंग की रोज प्रैक्टिस करनी है कपड़ों में। पूरी बॉडी को पकड़ना, पोजिंग का मतलब सिर्फ बाइसेप टाइट करना नहीं है, हर मसल तेरी पकड़ना है। हाँ यहाँ पे रहो और अपने आप को नहीं देखना, जिसको देखना मुझे रिलैक्स। पोजिंग करते टाइम खुद को कभी नहीं देखना। ठीक है सर, इट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सामने देखना, जजेस की आंखों में आंख डाल के पोजिंग करते बैक डाउन बाइसेप्स। हाँ ठीक है, सांस छोड़ दबा,
रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीथ आउट रिलैक्स मस्कुलर कौन तरह फिर खुद को देख रहा है खुद को नहीं देख रहा स्टेज पे ठीक है दो दिन का रूटीन बना अपना और डेली उसको अटेंड कर किसी सातों का दूसरी पोज भी आए दो चार और पोज ऑप्शन भी आ जाए और भले ये लोग पोज अगर अगर फ्री पोज हो भी तब एक तो कंपल्सरी पोज है जिसमें वो कंपेरिजन करते हैं वहाँ तो वो चार पोज भी लगा सकते हैं सात भी हाँ जी और अगर फ्री पोजिंग के लिए बुलाएंगे तो उसमें जो मर्जी दिखा दें अच्छा मतलब फ्री पोजिंग में जो दिन करें वो मार लें तेरा बेस्ट है वो दिखा दें फ्री पोजिंग में जो तेरा बेस्ट है वो दिखा दें और कंपल्सरी पोज में जो जज मांगे वो दिखा जो बोलेंगे वही जो पोज वो बोले वो दिखा थोड़ा हो जाएगा और इसके अंदर अभी तो और शायद बोल रहे हैं अभी तो कम दिख रहे हैं आप वगैरह थाई पर लग गई थी ना हाँ इस करके भी मारी नहीं थाई थाई मारी होती और ज़्यादा सही नहीं अभी भी ठीक है ठीक चल रहा है हाँ चल जाएगा इस हिसाब से हाँ और तुझे तो यही होगा फर्स्ट टाइम है जितना हो सके उस टाइम पर हम तीन चार कंपनी से करेंगे उसी को मैं समझे समझे सर ठीक है तो आपने देखा यार किस तरीके से आप पोजिंग कर सकते हो जैसे गुरुजी ने बताया यही टिप्स यार ये गोल्डन टिप्स होते हैं इस चीज़ को आप देख के सीख सकते हो हर किसी का वो ट्रेनर नहीं होता बेस्ट ट्रेनर नहीं होता कोच नहीं हो सकता जो आपको बता सके कि इस तरीके से पोज होता है इस तरीके से होता है तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर आप लोगों को समझ आएगा और बाइसेप वर्कआउट की नेक्स्ट वीडियो आएगी देख रहे हो जिम भी बंद हो चुका है बट बढ़ा चुके हैं मतलब जिम को बंद नहीं बोलते बढ़ा चुके हैं तो बस बाइसेप वर्कआउट की वीडियो देख लेना और मेरा मेन मोटिव यही होता है कि वीडियो कंप्लीट करनी है बेशक रात के 11 बज गए 11 बज चुके हैं मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम प्यार मैक्सिमम कमेंट्स दिखा देना बाय बाय गाइस